कि कौरवों और पांडवों का युद्ध चल रहा था। उन कौरवों के करीब करीब सभी मारथी मारे जा चुके थे। अंत में एक सेनापति की जरूरत होती है। उन कौरवों ने उस कर्ण का नाम घोषित कर दिया कि कर्ण को सेनापति बनाओ। चारों तरफ खबर फैल गई। सजनों बताते हैं कि ये बात कृष्ण भगवान को भी पता चला, क्योंकि वे तो सब जानते थे, माया उन्हीं की रचाई हुई थी। वो कुंती आ गई। कुंती उसके चेहरे को देख के न्यू कहने लगी, रे अंतर्यामी, तेरे चेहरे पर ये उदासी क्यों है, क्या कारण है? आप के बुआ जी तू नहीं जानती के ना मैं तो नहीं जानती के कल रणभूमि में तेरे पांचों पुत्र मारे जाएंगे, उस गंधारी की जीत पक्की है, कोई नहीं हटा सकता। बोली, रे ऐसा कैसे हो जाएगा, आज तक तुम्हारी जीत हो रही थी कि आज तक हो रही थी, कल नहीं होगी। क्यों? कि कल तेरे पुत्रों का मुकाबला किसके साथ होने जा रहा है ये मैं जानता हूं, तू नहीं जानती। अरे ऐसा कौन बहादुर हो गया कि गंधारी की जीत है कुंती, हार का थारी वरण बन गया। क्यों? उन कैरों की सेना का वो सेनापति कर्ण बन गया। कि कर्ण शक्तिशाली है, बलवान है, तेरे पांचों पुत्रों को मारेगा, बख्शेगा नहीं। सजनों कुंती परेशान हो जाती है कि कोई उपाय, कि एक उपाय है, वो दानवीर भी इतना ही बड़ा है, जे तू कुछ मांगेगी जाके तो इनकार नहीं करे। उसके पास पांच बाण हैं, वे ले आ, तेरी मनचाही पूरी हो जाएगी। सजनों पांच बाण मांगने के लिए कुंती कर्ण के द्वार पर पहुंचती है। जाके देखा बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हुई दान लेने वालों की। नजारा देख के और मन ही मन में रोवन लागी, न्यूकेन लागी, अगर कर्ण अपने बारे में कुछ बुझन लागे तो के जवाब देगी। इधर उस कर्ण की भी नजर उस कुंती पर पड़ जाती है, कोने में बैठ के रोने लागी। उसके पास गया जाके, न्यूकेन लागे, बस सबसे पहले इस दुखिया की सुनूंगा और न बाद में देखूंगा। देखा रैया तो कुंती है कि आओ कुंती कैसे आई हो। ओहो, जब ये कुंती शब्द उस कर्ण के मुंह से सुना तो आंखों में आंसू आ गए, रोन लाग गिर, बेटा अरे मैंने तेरे को अपनी कोख से जाया है, तू नाम लेता है मेरा, मैं तेरी मां हूं, कि मेरी मां तो राधा है, तू मां नहीं, क्योंकि तू जानती नहीं कि मां के कौन कौन से फर्ज हुआ करे, तने तो पैदा होती गंगा जी में बह दिया था, कौन सा फर्ज निभाया। सजनों एक बात के द्वारा अपनी मां को ताना मारता है और कैसे क्या कहने लग गया, क्या बता रहा है। हेरी सुन के भा चोट करण के, हरी सुन के भारी लगी चोट करण के, इसे जीते जी पे क्या बनेगी, यार मतलब कारण बेटे खानी आज करण की मा।
आदरणीय बड़े भाई डॉक्टर नरेंद्र भड़ोली से 100 रुपए से और मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है। और एक भाई ने और क्या रुपए से मान सम्मान किया, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। कितना दूध पिला मुँह चुमना और प्यार कराना ना कदे लाड़ लड़ाया देखे जन्म मारने खातर मैं गंगा बीच बहाया हो मनोज जी 100 रुपए से चेयरमैन साहब मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद, धन्यवाद। ये हमारे आदरणीय चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा साहब 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। मान सम्मान करते हैं, डॉक्टर साहब को बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। हमारे आदरणीय 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। हमारे आदरणीय श्री फूल कुमार जी भंदोड़ा निवासी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है,
धन्यवाद धन्यवाद। सजनो करण न्यू के लागरी हमारे बहुत ही आदरणीय स्वर्गीय श्री वीरेंद्र सिंह जी के लड़के भाई रंजन 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है धन्यवाद धन्यवाद। कि माँ एक तरफ तो कहती है कि मैं तेरी माँ हूं और एक तरफ अपने इस करण के मारने का इंतजाम करती है। मेरी समझ में तेरी बात नहीं आई, तू अब बिछड़ तो बात कर रहे है, तेरे दिल में बिछड़ है। तू ये चाहती है कि मैं दुर्योधन का साथ छोड़ के तेरे पुत्रों का साथ दूं, लेकिन मां तू ये नहीं जानती कि उस दुर्योधन के मेरे सर पे इतने एहसान हैं कि मैं 7 जन्म नहीं उतार सकता। कैसे तीसरी कली में क्या बताता है भला। उतरे दुर्योधन का झुटिया तू कार कार रही पागल बना करण का यो जीवन अंधकार करा उन चंदा करा गगन का हे यो जीवन अंधकार करा गगन का के मिलके दगा करणी आलो की मिलके दगा रजापुर से 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है। हमारे आदरणीय श्री तेजवीर सिंह 200 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है धन्यवाद। हमारे आदरणीय श्री महेंद्र सिंह दहिया के लड़के दीपक जी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है धन्यवाद। हमारे आदरणीय बिजवाड़ा गांव से सोनपाल जी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है धन्यवाद। ये हमारे आदरणीय श्री भोपाल कश्यप जी और ये छोटा बच्चा उनके पोते, ये छोटा बच्चा 500 रुपए से मान सम्मान करता है, बार बार धन्यवाद है धन्यवाद। और हमारा आशीर्वाद इस बच्चे के साथ है कि बड़ा होकर अपने गांव का अपने परिवार का अपने प्रदेश का नाम रोशन करे, धन्यवाद। करी तू ई बिछड़ कर रही है, एक तरफ तो कहती है कि मेरे 6 पुत हैं और मां फिर भी छड़ कर रहे हैं। अरे बेटा किसा छड़ कर दिया कि जानती नहीं के ना, और एक तरफ तो कहती है 6 पुत और बाण मांगती है तू 5, ई बिछड़ कर रही है कैसे आखिर में के बता। Thank you.
घमंड मने वे हे बाण मांगणे आई। जब छे बेटे तेरे एक पांच के तू प्राण मांगणे आई। बाणों का ते नाम करण की तू जान मांगणे आई। और लड्डन सिंह हे राजा बले मेरी अटके फेर कचा बड़की ये मतलब कारण बैठे का की क्या बड़की ये मतलब कारण बैठे का भाई। एक मिनट पर ठहरिए।